हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, सीपीसीबी को। बेसिकली मॉर्निंग में टेलीग्राम चैनल में जो मैंने ऑब्जेक्टिव पोस्ट किया था, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव था सीएसई सिविल सर्विस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। सिंपल सा ऑब्जेक्टिव था, बेसिकली रिलेट करता था एनजीटी को, मतलब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, और सीपीसीबी को। तो ऑलरेडी एनजीटी को तो हमने डिटेल में डिस्कस किया, उससे रिलेटेड वीडियो भी पड़ी हुई है और आपके सिलेबस में भी है। जो सीपीसीबी है ये काफी न्यूज में है। रिसेंटली आपने देखा कि जो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट है उसको कंपलसरी कर दिया गया आपके व्हीकल के इंश्योरेंस को रिन्यू करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारी चीजें चल रही हैं एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, तो काफी न्यूज में है। तो मे भी पॉसिबल है कि कोई ट्विस्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि काफी छोटा सा टॉपिक है इसलिए मैं सोचा कि इसको भी कवर कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे बेसिकली सीपीसीबी का फंक्शन होता क्या है। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर, दिस इज द हंबल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, फॉलो मोन एकेडमी ऑन द डिफरेंट प्लेटफॉर्म। अगर आपको इन वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। जो सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड है सीपीसीबी, ये एक तरह की स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होती है जो अपना पावर बेसिकली एक्ट से ड्रॉन करती हैं। दो तरह की बॉडी होती हैं, एक होती है वैधानिक बॉडी जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन या बॉडी, दूसरी होती है संवैधानिक बॉडी जिसे हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जो अपना पावर कॉन्स्टिट्यूशन से ड्रॉ करती हैं। जैसे आपकी सरकार है, एग्जीक्यूटिव है, उसका पावर फंक्शन स्ट्रक्चर सब कहां पे डिफाइन किया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आपकी न्यायपालिका है, ठीक है, कोर्ट्स हैं, इनके पावर इनके स्ट्रक्चर कहां पे डिफाइन किए गए हैं, संविधान में। तो इन्हें हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और इनका पावर इनका स्ट्रक्चर कहां पे डिफाइन किया गया है, एक्ट में। तो इसे हम कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी, जैसे कि आपने एनजीटी को पढ़ा था, तो ये भी एनजीटी की तरह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। एनजीटी का पूरे एनवायरमेंट पे कमांड होता है, एनवायरमेंट से रिलेटेड कोई भी मैटर वो सुनते हैं। बट यहाँ पे जो सेंट्रल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड है, ये केवल एयर और वाटर पॉल्यूशन पे ही वर्क करते हैं। उसी के पॉल्यूशन को कैसे मिनिमाइज करें, कैसे एनालाइज करें, ये सारे वर्क ये करते हैं। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ सकता है कि एनजीटी और ये दोनों एनवायरमेंट से रिलेटेड मैटर सुनते हैं, बेसिकली एयर और वाटर ये स्पेसिफिक मैटर को सुनते हैं, एनजीटी पूरा एनवायरमेंट की सुनती है, तो क्या इनके ऑर्डर को किसी चैलेंज कर सकते हो आप एनजीटी में? हाँ बिल्कुल, आप एनजीटी में चैलेंज कर सकते हो। एक रिसेंट एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूँ, नूत्रा स्पेशलिटीज प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है बेसिकली, इसके ऊपर रिसेंटली, साउथ इंडिया में कंपनी है, इसके ऊपर रिसेंटली जो सीपीसीबी है इसने 37 लाख का क्या लगा दिया, फाइन लगा दिया। 2015 से इनको कहा जा रहा था कि जो इनके इक्विपमेंट है वो एनवायरमेंट के पोल्यूशन के लिए उतना सफिशियंट नहीं है, जो बेसिकली एयर क्वालिटी या वाटर क्वालिटी जो स्टैंडर्ड बनाया गया है उसके लिए सफिशियंट नहीं है, तो इनको क्लोज करने के लिए कहा गया था। बट ये क्लोज नहीं कर रहे थे, एक्सक्यूज बना रहे थे, टाइम ज्यादा मांग रहे थे, तो इसको लेके इन्होंने फाइन कर दिया। सीपीसीबी ने एक कंपनी के ऊपर फाइन लगा दिया 37 लाख रुपीज का। ये इस मैटर को लेके गए एनजीटी में, बट एनजीटी ने मना कर दिया कि हम आपके मैटर को नहीं सुनेंगे, जो भी फाइन आपके ऊपर लगाई गई है वो आपको पे करना पड़ेगा। सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया 1974 में, उस टाइम पे बनाया गया वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। यहाँ पे वाटर में जो पोल्यूशन हो रहा है उसको कैसे मिनिमाइज करें, कैसे एनालाइज करें, उसको कैसे इंप्लीमेंट करें, ये सारे फंक्शंस दिए गए किसको, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड को। बाद में देखा गया कि भाई एयर पोल्यूशन भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसको भी कंट्रोल करने की जरूरत है, तो एक्ट बनाया गया एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसको इंट्रोड्यूस करके इसको भी किसके अंडर में दे दिया गया, सेंट्रल पोल्यूशन एंड कंट्रोल बोर्ड के अंडर में। अब ये जो सीपीसीबी है ये किसके अंडर में वर्क करती है, ये वर्क करती है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट के अंडर में। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये भी कभी कभी पूछता है कि बेसिकली किस मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं। इनके अगर हम प्रिंसिपल फंक्शन की बात करें तो जैसे हमने पहले बात किया, ये केवल एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन में वर्क करते हैं कि वाटर पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन को कैसे मिनिमाइज करें, इससे रिलेटेड कैसे जो इक्विपमेंट होते हैं उनको एनालाइज करें, इसके लिए पॉलिसी बनाएं, डाटा कलेक्ट करें, उस पर रिसर्च करें, टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड करें, ये सारा इनका बेसिकली काम होता है। तो टू प्रमोट द क्लीनिनेस ऑफ स्ट्रीम एंड वेल, मतलब जो नदी है, नाले हैं, जो गांव में कुएं होते हैं, पूरे इंडिया में जो डिफरेंट एरिया में ये सारे बॉडीज होती हैं वाटर बॉडी, उनके पोल्यूशन को कैसे कंट्रोल किया जाए ये उस पर वर्क करते हैं, और जो एयर क्वालिटी है उसको कैसे इंप्रूव किया जाए। और रिसेंटली आपने देखा कि एयर क्वालिटी से रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स जो है वो फेस कर रहे थे, तो काफी इंपॉर्टेंट मैटर बन गया है ये। तो एयर क्वालिटी को मेजर करना, उसको मॉनिटर करना और उसको इंप्रूव करना किसका काम होता है, आपका सीपीसीबी का काम होता है। अब डिस्कस करते हैं कि इसका फंक्शन क्या होता है नेशनल लेवल पे। तो जो हमारी गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव जो है,
उसको यहाँ पे एडवाइस करना काम होता है किससे रिलेटेड, एयर एंड वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड। अब डेफिनेटली क्या एडवाइस करेंगे कि अब पोल्यूशन बढ़ गया है, कैसे इसको मिनिमाइज करें, क्या पॉलिसी बनाएं, कैसे उसको इंप्लीमेंट करें, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे वही सारी चीजें मेंशन की गई हैं कि किस तरीके से प्लान करना होता है इनको और नेशन वाइज कैसे इन सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करना होता है। ये सारी प्लानिंग किसके अंडर आती है, आपके सीपीसीबी के अंडर आती है। दूसरी चीज की यहाँ पे इनका काउंटर पार्ट भी होता है, जैसे यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का, उसी तरीके से होता है स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो ये इनका काउंटर पार्ट होता है। तो बहुत बार क्या होता है कि जो दो स्टेट्स होते हैं उनके बीच में डिस्प्यूट होता है, कि जैसे सपोज कर लीजिए कि ये होली गंगा रिवर है और यहाँ पे डिस्प्यूट हो गया उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश कहता है कि गंगा रिवर को ज्यादा पोल्यूट करता है आपका उत्तराखंड, इसलिए उत्तराखंड को ज्यादा पे करना चाहिए इसको क्लीन करने में। उत्तराखंड कहता है कि नहीं, इसको ज्यादा पोल्यूट करने में योगदान उत्तर प्रदेश का है। तो इस टाइप के डिस्प्यूट भी आते हैं बहुत बार, तो इस डिस्प्यूट को भी रिजोल्व करने का काम या उनके बीच में जो डिस्प्यूट है उसको रिजोल्व करने का काम बेसिकली कौन करता है, सीपीसीबी करता है। आपने देखा था कि केजरीवाल साहब ने कई बार बयान दिया था कि जब हरियाणा में और पंजाब में बर्निंग होती है तो जो एयर क्वालिटी है दिल्ली की वो डिक्रीज हो जाती है, तो वहां के सरकार को कुछ करना चाहिए। तो इस टाइप के डिस्प्यूट बहुत बार आते हैं सामने, तो उसको रिजॉल्व करने का काम भी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का होता है। और जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है ये टेक्निकल असिस्टेंट और गाइडेंस भी प्रोवाइड कराता है जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड होता है उसको, स्पॉन्सर्ड इन्वेस्टिगेशन भी करवाता है। स्पॉन्सर्ड का मतलब खुद पैसे लगाना, और जो टेक्निकल रिसर्च हो सकते हैं एयर पोल्यूशन से रिलेटेड, वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड, उसको करवाना, पेपर पब्लिश करना, मास मीडिया के थ्रू कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टीजमेंट करना, लोगों को अवेयर करना कि किस तरीके से हम वाटर पोल्यूशन एयर पोल्यूशन को मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारा चीजें होती हैं। और जो लोग भी इस प्रोग्राम में इन्वॉल्व होते हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराना, ये सारा काम किसका होता है, सीबीसीबी का होता है। इसके अलावा जो भी उन्होंने रिसर्च किया है उस डाटा को कलेक्ट करना, उसको कंपाइल करना, और किस तरीके से हम अभी अभी का स्टेटस क्या है और किस तरीके से हम उसको मिनिमाइज कर सकते हैं, ये सारा काम सीपीसीबी का होता है। जो भी टेक्निकल रिसर्च हुए हैं, जो भी डाटा कलेक्शन हुआ है, जो भी एनालिसिस हुई है, उसका पेपर मैनुअल क्रिएट करना, कोड क्रिएट करना, गाइडलाइन बनाना, गाइडलाइन किससे रिलेटेड, जैसे इंडस्ट्रीज हैं तो वो एयर पोल्यूशन किस लेवल तक कर सकती हैं, मतलब कौन कौन से कंटेंट को बाहर डिस्पोज कर सकती हैं, जैसे इंडस्ट्री जो वाटर पोल्यूशन में कंट्रीब्यूट करती हैं उनको किस तरीके से वाटर को ट्रीट करके फिर डिस्पोज करना है, ये सारी चीजें प्रिपेयर करना, कौन कौन से आपको डिवाइस यूज करने हैं, कितने टाइम तक यूज करने हैं, ये सारा चीज कौन प्लान करता है, आपका सीपीसीबी करता है। और इसका प्रचार प्रसार करना भी सीपीसीबी का काम होता है, एयर पोल्यूशन और वाटर पोल्यूशन से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनको। और एयर क्वालिटी एंड वाटर क्वालिटी के लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना कि कितना पोल्यूशन डिस्चार्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हो कि हमारे देश में रिसेंटली अभी जो भारत स्टैंडर्ड 4 है उसको वॉश आउट करके भारत स्टैंडर्ड 6 को इंप्लीमेंट किया गया है, तो ये इंप्लीमेंटेशन का काम किसका था या फिर इससे रिलेटेड डाटा प्रिपेयर करना, कितना डिस्चार्ज करना था इसके लिए स्टैंडर्ड फिक्स करना, ये सारा काम होता है सीपीसीबी का। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो भी फंक्शन तय करते हैं वो सारे फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं। अब जो हमारा सीपीसीबी है ये यूनियन टेरिटरी के लिए एज ए स्टेट बोर्ड वर्क करता है, क्योंकि आपको पता है यूनियन टेरिटरी ऑटोनोमस स्टेट नहीं होती हैं, वहां पे पावर शेयरिंग होता है स्टेट गवर्नमेंट में और सेंट्रल गवर्नमेंट में। तो इसलिए यहाँ पे जो सेंट्रल बोर्ड होता है वो एज ए स्टेट बोर्ड वर्क करता है, और जो काम ये सेंट्रल बोर्ड के लिए कर रहा था, जब सेंट्रल बोर्ड था सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रहा था, सेम काम ये यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट होती है जैसे दिल्ली है तो वहां पे अरविंद केजरीवाल की सरकार को ये सजेस्ट करेंगे। तो जो भी वर्क ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए कर रहे थे वही वर्क यहाँ पे ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए करेंगे, जैसे स्टैंडर्ड फिक्स करना, जो डिफरेंट प्लांट है सीवरेज में जो वाटर जा रहे हैं, एयर क्वालिटी को कैसे मेंटेन करें उसको मॉनिटर करना, वहां पे इक्विपमेंट लगाना, ये सारी चीजें जो पहले ये कर रहे थे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए यहाँ पे वो स्टेट गवर्नमेंट के लिए करते हैं। और जो भी प्रिकॉशन रिक्वायर्ड है एयर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए या फिर वाटर क्वालिटी को मेंटेन करने के लिए, जो भी इक्विपमेंट के इंस्टॉलेशन की जरूरत है वो सारी चीजें कौन करता है, यूनियन टेरिटरी के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ पॉल्यूशन कंट्रोल। इसके अलावा जो भी पॉलिसी डिसीजन होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का उस एयर और वाटर से रिलेटेड, ये सारे फंक्शन परफॉर्म करता है सीपीसीबी। और सिमिलरली ये एज ए स्टेट गवर्नमेंट परफॉर्म करता है यूनियन टेरिटरी के लिए, और अपने काउंटर पार्ट जो स्टेट कंट्रोल बोर्ड होता है उसके साथ भी वो वर्क करता है स्टेट गवर्नमेंट के लिए। और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी हमारा लेजिस्लेशन लॉ बनाए वाटर और एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए उसको इंप्लीमेंट करने के लिए।
अब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं इसके बेसिस पे। ये क्वेश्चन है आपका जो सुबह मैं टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट किया था, बट वहां पे स्पेस की कमी होने की वजह से मुझे ऑप्शंस ज्यादा बनाने पड़ते थे, बट ये एग्जैक्ट फॉर्मेट है जो क्वेश्चन आपके एस एग्जाम 2018 में पूछा गया था। हाउ इज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT डिफरेंट फ्रॉम द सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, किस तरीके से डिफरेंट है। पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नहीं है बेसिकली, पहला स्टेटमेंट दिया गया है द एनजीटी हैज एस्टैब्लिश बाय द एक्ट वेयर एज CPCB हैज क्रिएटेड बाय द एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। बिल्कुल भी नहीं है, ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं बनाया गया। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आपको पता है हमारे देश में हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, जो हमारे देश की कैबिनेट सजेस्ट करती है प्रेसिडेंट को। जैसे रिवोक करना था आर्टिकल 370 को कश्मीर में, तो हमारी कैबिनेट ने प्रपोज किया और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू उसको रिवोक कर दिया गया। तो उसी तरीके से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू बॉडीज भी बनाई जाती है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि CPCB एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा नहीं बनाया गया है, ये भी एक तरह की स्टेचुटरी बॉडी है, एक्ट के थ्रू बनाया गया है। तो ये ऑप्शन क्या हो गया आपका, गलत हो गया। नेक्स्ट जो आपका ऑप्शन है, द एनजीटी प्रोवाइडेड एनवायरमेंटल जस्टिस टू हेल्प रिड्यूस द बर्डन ऑफ द लिटिगेशन टू द हायर कोर्ट। डेफिनेटली एग्जैक्टली राइट है ये। ये देखा गया कि एनवायरमेंटल से रिलेटेड बहुत सारे केस आ रही हैं और ये कोर्ट में जाती हैं तो बहुत दिनों तक इस पे केस चलती है, तो इसको जल्दी निपटाया जाए, इसलिए एक एक्सपर्ट बॉडी बनाई गई जिसमें कुछ एक्सपर्ट भी होते हैं, टेक्निकल एक्सपर्ट वही होते हैं और कोर्ट के जो हमारे रिटायर्ड जजेज होते हैं वो भी होते हैं। पूरा स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया एनजीटी का। तो एनजीटी ने क्या किया, एनजीटी के पास क्या पावर होती है, हाई कोर्ट के इक्विवेलेंट होते हैं, इसलिए एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी मैटर होते हैं वो एनजीटी में जाते हैं, हाई कोर्ट में नहीं जाते हैं। और एनजीटी का ऑर्डर केवल सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज किया जा सकता है। बहुत सारे कंट्रोवर्सी भी हमने इससे पहले डिस्कस किए थे एनजीटी से रिलेटेड। तो ये बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। वेयर एज सीपीसीबी प्रोमोटेड द क्लीनिनेस ऑफ द स्टीम एंड वेल एम टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ एयर। बिल्कुल सही बात, ये सारी चीज हमने पढ़ी। तो स्टेटमेंट टू जो है ये करेक्ट है। तो यहां पे पूछा गया है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवेन अबव इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो बी ऑप्शन सेकंड वाला करेक्ट है, तो केवल बी इज द करेक्ट ऑप्शन। सेकंड जो क्वेश्चन है, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड डील्स विद, किसके साथ डील करता है भाई, ये वाटर पोल्यूशन के साथ भी करता है, एयर पोल्यूशन के साथ भी करता है। तो यहां पे ऑप्शन होगा आपका सी। When did the Central Pollution Control Board establish? कब establish किया गया? 1974 में बनाया गया और उस time पे यहाँ पे केवल water pollution से related matter थे, but बाद में इसमें introduce कर दिया गया air pollution को भी 1981 में। Next जो आपका question है, Who appoint the chairman of the Central Pollution Control Board? ये मैं बताना भूल गया आपको, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, सिमिलर है ये एनजीटी के, एनजीटी का भी कौन अपॉइंट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, What is the full form of NAMP? NAMP मतलब होता है नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। ठीक है, जब पोल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा तो ये प्रोग्राम बनाया गया कि हम अपने एयर क्वालिटी को कंटिन्यूअसली मेजर करेंगे और उसके पोल्यूशन को कैसे डिक्रीज करें, उसके लिए जो प्रिवेंशन होंगे, पॉलिसीज होंगी वो इंप्लीमेंट करेंगे, प्लानिंग करेंगे, वट एवर दैट। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन है वो ए करेक्ट है। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।